क्लास नाइन्थ के सभी विद्यार्थियों, आज अपने ना सोशल साइंस का पेपर देखने वाले हैं। काफ़ी हद तक ये पेपर आपको परीक्षा हाल में देखने को मिलेगा। पेपर का फॉन्ट से अपने को कोई मतलब नहीं होना चाहिए बेटा, पेपर में आना चाहिए। ऐसे प्रश्न करो कि जो परीक्षा में आए। अच्छे से तैयारी करो, तैयारी करने में कोई हिचक नहीं है। अच्छे से मेहनत करो, खूब पढ़ो, खूब बढ़ो। आइए शुरू। इस राज्य में साक्षरता प्रतिशत सबसे अधिक है, ऐसा कौन सा राज्य जिसमें सबसे ज्यादा प्रतिशत है साक्षरता दर? केरल में। भारत में संसार की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत भाग निवास करता है? 14.8%। अमेरिका के सैनिक अड्डे पर्ल हार्बर पर बमबारी की थी जापान ने। रॉबर्ट मुगाबे को किस वर्ष राष्ट्रपति पद से हटा दिया गया? 2012। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक लोकसभा सीटें किस राज्य में? उत्तर प्रदेश में। मतलब सबसे अधिक लोकसभा सीटें ऐसा राज्य कौन सा? तो एमपी नहीं, वो उत्तर प्रदेश है। डेमोक्रेसी यूनानी शब्द डेमोक्रेसिया से मिलकर बना है। भारत में हमेशा जन्म दर जो है मृत्यु दर से अधिक रही है। मानव प्रकृति पृथ्वी के संसाधनों का उत्पादन एवं उपभोग करता है। उत्पादन को बढ़ाने के लिए भूमि और अन्य प्राकृतिक संसाधनों पर बहुत अधिक दबाव पड़ा है। एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से ज्यादा फसल बोते हैं तो वो कहलाती है आपकी बहुविध फसल प्रणाली। ठीक है, चलिए इसके बाद में है यहां से गेहूं क्रांति के शीर्षक में विशेष डाक टिकट इंदिरा गांधी द्वारा जारी किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला जो है ना, यहां से देखिए काम के बदले अनाज कार्यक्रम, ठीक है, हुआ जाएगा 1977-78। बस्तर का आपका जाएगा छत्तीसगढ़। डाइट्रीज बेंड्रिस इसका है जर्मन। रॉबर्ट ओबेन का जाएगा आपका इंडियाना, अमेरिका। तुषारापात का उत्तर में वन अधिनियम 1863। अगला है सबसे लंबी नदी है गंगा, किन भागों में? शीत ऋतु स्पष्ट नहीं होती, प्रायद्वीपी भागों में। दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई थी? सितंबर 1939। किशोर प्रायः किस आयु के वर्ग के होते हैं? 10 से 19 वर्ष। स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक कौन थे? कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी। नागरिकों द्वारा अपने प्रतिनिधि निर्वाचित करने की प्रक्रिया आपकी निर्वाचन कहलाती है। यदि हम बात करें आगे की तो भारतीय मानसून में होने वाली वर्षा निश्चित है। 1929 में आर्थिक महामंदी का दौर हुआ, सत्य है। यहाँ से देखिए आप सत्य कंप्लीट कर सकते हैं। अब अगला देखते हैं ना, यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 6 से जितने भी क्वेश्चन है आपको मैं नोट्स में आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, आप अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा, है ना। भारत की भौगोलिक स्थिति बताइए। कन्याकुमारी में दिन और रात की अवधि में अंतर क्यों है? जलवायु से क्या आशय है? मुझे इतना आम्र वर्षा क्या है, यहाँ किन राज्यों में होती है? क्वेश्चन नंबर जो 8 है, गंगा की दो मुख्य धाराओं के नाम बताइए, ये कहाँ पर एक दूसरे से मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती है? नमामि देवी नर्मदे क्या है? वनस्पति जगत और प्राणी जगत में अंतर आपको बताना है, ये थोड़ा छोटा करके यहाँ से देख लो। हो गया। इसके बाद में यहाँ पर देखिए प्राकृतिक आधार पर वनों को कितने भागों में बांटा जा सकता है? फ्रांस में दास प्रथा का उन्मूलन कब और किस प्रकार हुआ? जेकोबिन क्लब के सदस्य कौन थे? आगे की बात करें तो रूसी क्रांति की सफलता के कारण आपको बताने हैं, तो यहाँ से देखिए दो को इसे भी लिख देना है आपको, 4 लिख दिए यहाँ पर, तो ठीक है ये 3 ले लो स्क्रीनशॉट में, 4 आगे कोई जरूरत नहीं है ना। घुमंतू खेती नुकसानदेह है, घुमंतू खेती क्या होती है? ये तो घुमंतू खेती के बारे में आगे यहाँ तक ये छोड़ दिया जाता है, ठीक है, हो गया। नुकसानदेह क्यों मानते थे? तो ये आपका यहाँ से इतना। फिर इसके बाद में अंग्रेजों के विरुद्ध बस्तर के लोगों ने क्यों और कैसे बगावत की? थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा, छोटा करना पड़ेगा, जानता है तो 2 हिस्से में ले लो, इतना हो गया।
इसके बाद में ये यहां से लो। संविधान क्या है, भारतीय संविधान को कब लागू हुआ, संविधान की विशेषताएं लिखिए। कोई दो तीन लिखनी है, पांच नहीं लिखनी पड़ी ना, आठ विशेषता तो आठ थोड़ी लिखनी है ना, जो जो अच्छी लगे वो लिख लेना। यहाँ पर देखिए संविधान सभा का परिचय आपको देना है, निर्वाचन आयोग के कार्य, यहाँ से हो गया इतना, राजनीतिक दलों को मान्यता, आचार संहिता क्या है, भौतिक पूंजी तथा मानवीय पूंजी को स्पष्ट कीजिए, नाथसी सोच के खास पहलू कौन कौन से थे, तो तीन कोई से भी दो तीन लिख देना है ना, पांच है तो इसमें से कोई से भी दो तीन लिख देना। उग्र राष्ट्रवाद को किस तरह बढ़ावा दिया गया, समझाइए, ये हो गया इतना। इसके बाद में आयु संरचना, जन्मदर एवं मृत्यु दर को परिभाषित कीजिए, ये जन्म दर हो गई है यहाँ तक और ये यहाँ से मृत्यु दर हो गई है। जनसंख्या घनत्व क्या है, इसे कैसे ज्ञात किया जा सकता है, इतना हो गया, ये जनसंख्या घनत्व हो गया। राय का समुदाय पर टिप्पणी, ये राय का समुदाय आ जाएगा। बंजारे कौन थे, ठीक है भैया, इसके बाद में आपका बंजारे कौन थे हो गया, बंजारे का मंत्रिपरिषद वाला ये प्रश्न, यहाँ से यहाँ पर देख लीजिएगा, ये